हल्क बैटलफील्ड में जब कभी उतरता है तो उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि सामने खड़ा दुश्मन कितनी संख्या, कितना शक्तिशाली या कितना भी विशाल है। हल्क की ताकत, इसका गुस्सा और तबाही लाने वाली स्मैश से शायद ही कोई बच पाता है। पर क्या हल्क की ये सारी खूबियां रैम्पेज के उन तीन मॉन्स्टर के सामने काम आ पाएगी जिसके चलने मात्र से ही तबाही की लहर दौड़ पड़ती है? तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम जान पाए कि क्या रैम्पेज के तीनों मॉन्स्टर मिलकर मार पाएंगे हरे पहाड़ हल्क को, या हल्क तीनों मॉन्स्टर को हरा सकता है। उम्मीद है आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को अब तक लाइक कर ही दिया होगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें हल्क की, तो इसका मुख्य खूबी इसका अविश्वसनीय ताकत है, क्योंकि जब यह शांत अवस्था में होता है तो यह 100 से भी अधिक टन वाले वजन को उठा सकता है। लेकिन गुस्से की लेवल जिस दर से बढ़ती जाती है, इसकी ताकत व आक्रामकता भी ठीक उसी तरह बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी माना जाता है कि इसकी ताकत लिमिटलेस होती है, और इसे आप ऐसे जान सकते हैं कि सीक्रेट वॉर कॉमिक में हल्क ने खुद को तथा सभी एवेंजर्स को बचाने के लिए एक पूरी पर्वत श्रृंखला को ही अपने ऊपर उठा लिया था, जिसका अनुमानित वजन 150 बिलियन टन का था। ठीक इसी प्रकार का उदाहरण हमें एवेंजर एनिमेटेड सीरीज में भी दिखाया जाता है, जहां हल्क ने पूरे शहर को ही अपने ऊपर उठा लिया था। वहीं वो सीन कौन भूल सकता है जहां हल्क ने एक ही पंच में विशाल लिवाइथन को मार गिराया था। यहां तक कि इन्फिनिटी इशू नंबर 6 में हल्क ने पूरा स्टार को ही थाम लिया था, जिसका वजन हमारी प्यारी धरती के मुकाबले 3 लाख गुना ज्यादा था। हल्क ताकतवर होने के साथ साथ काफी फुर्तीला भी है, और इसकी रफ्तार किसी को भी चौंका सकती है। इसके पैरों में इतनी ताकत मौजूद होती है जिसकी मदद से ये मात्र एक जंप से ही कई मील दूर उछल सकता है। इसकी जंप स्केप वेलोसिटी को भी क्रॉस कर सकती है। यही वजह है कि इसे धरती से अंतरिक्ष जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। अगर बात करें हल्क के ड्यूरेबिलिटी की, तो हल्क का गुस्सा उसे और भी ड्यूरेबल बनाता है। ऐसा काफी कम बार ही देखने को मिला है जहां हल्क को किसी ने मारकर इसका भरता बनाया हो। यहां तक कि थोर का हथौड़ा, एबोमिनेशन की ताकत और थेनोस को छोड़ दें, तो द थिंग का पंच भी हल्क का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और बस यही नहीं, हल्क के पास काफी अच्छा खासा हीलिंग फैक्टर है, इसलिए अगर इसे चोट पहुंचा भी दिया जाए, जो कि काफी मुश्किल है, उसके बावजूद भी हल्क खुद को तुरंत ठीक कर सकता है। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझे, जब विक्टर ने हल्क के पूरे शरीर का 90% हिस्सा नष्ट कर दिया था, उसके बावजूद भी हल्क ने विक्टर को सिर्फ पंच ही नहीं मारा, बल्कि कुछ ही क्षणों में खुद के शरीर को रीगेन कर लेता है। ज्यादा गुस्सा होने पर हल्क अपने बॉडी से गामा की रेडिएशन छोड़ सकता है, जो किसी की भी जान ले सकती है। इन सब के अलावा हल्क का शरीर सिचुएशन के हिसाब से ढल जाती है। ये पानी में भी जीवित रह सकता है, वैक्यूम में भी सर्वाइव कर सकता है, और जमीन में तो रहता ही है। यही वजह है कि इसके सामने न तो रेड हल्क टिक पाया, न ही अनबीटेबल जगरनॉट खुद को इसके हाथों से पिटने से बचा पाया, और एबोमिनेशन इतना ताकतवर होने के बाद भी अंत में हल्क के हाथों पिटी गया, और द थिंग नामक चट्टान वाले मॉन्स्टर के इसने तो टुकड़े ही कर डाले। तो ये तो था हल्क। लेकिन बात करें रैम्पेज के मॉन्स्टर की, तो इनमें 3 मॉन्स्टर राल्फ, लिजी और जॉर्ज शामिल है। जिनमें से बात करें जॉर्ज की, तो ये सामान्य सा अल्बाइनो गोरिला था, लेकिन म्यूटाजन के कारण इसकी आकार और ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ गई, और इस प्रकार एक नॉर्मल सा गोरिला बन जाता है एक खूंखार सा विशाल मॉन्स्टर। म्यूटाजन के कारण जॉर्ज की ताकत तो बढ़ी ही थी, पर इसकी इंटेलिजेंस, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी भी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। यही वजह है कि इसने काफी सरलता से मिलिट्री व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर के साथ टैंक की दशा ही बदल दी। यहाँ तक कि बड़े बड़े इमारतों को भी इसे तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा था। ये इमारतों को इस तरह तोड़ रहा था मानो ये सभी इमारतें थर्मोकोल की बनी हो। खैर, रैम्पेज मूवी में आप पूरे शहर का संरक्षक या विनर जॉर्ज को ही मान सकते हैं, क्योंकि इसी ने राल्फ तथा लिजी को हरा कर पूरे शहर की रक्षा की थी। भले ही दोनों से ही हो रही लड़ाई में जॉर्ज पर लिजी तथा राल्फ द्वारा कई खतरनाक हमले किए जाते हैं,
पर इसकी ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और इंटेलिजेंस इसे हर मुसीबत को पार करने में इसकी मदद करती है। अब अगर बात करें राल्फ की, तो ये पहले सामान्य सा भेड़िया था, पर म्यूटाजन का शिकार हो जाने के कारण ये भेड़िया भी सुपर जॉइंट भेड़िया में तब्दील हो जाता है। एक बार मॉन्स्टर बनते ही राल्फ जॉर्ज से मुकाबला भी कर सकता है। इसकी फुर्ती तो इस हद तक होती है जिसके सामने लिजी व जॉर्ज भी कुछ नहीं, जिसका सबूत हमें तब देखने को मिला जब इसने उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर ही कूदकर उसके चीथड़े उड़ा दिए। फुर्तीला होने के साथ साथ इसके पास दो स्पेशल फीचर पाए जाते हैं। पहला तो ये कुछ दूरी तक उड़ सकता है, और दूसरा इसके पूरे शरीर में मौजूद तेज धारदार कांटे जो गोली की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। अब बात करें सबसे शक्तिशाली रैम्पेज मॉन्स्टर यानी लिजी की, तो ये भी शुरुआत में एक सामान्य सा मगरमच्छ था, पर इसमें म्यूटाजन इस हद तक असर होती है जिसकी वजह से ये न सिर्फ खुद के पहले रूप से ज्यादा विशाल होता है अपितु राल्फ और जॉर्ज से भी ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और विशाल ही नहीं, ये काफी ताकतवर है। परिणाम स्वरूप इसने एक साथ राल्फ और जॉर्ज से भी लड़ाई कर पा रहा था, यहाँ तक कि ये अकेले ही दोनों पर भारी भी पड़ रहा था। इसके जबड़ों की ताकत तो इस हद तक होती है जिसने एक उड़ रहे हेलीकॉप्टर के तो टुकड़े ही कर डाले थे। इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये इतना भारी भरकम प्राणी है जिसके चलने मात्र से ही बिल्डिंग ध्वस्त होने लगते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी रैम्पेज के किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा होती है। यही वजह है कि जॉर्ज के कई हमले और वेपन्स के हमलों से भी इसे एक खरोच भी नहीं लगता। यहाँ तक कि एक्सप्लोजिव भी इसे डैमेज नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये है तो धीमा, पर ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रुकता, अब चाहे सामने बड़ा पहाड़ ही क्यों ना हो। यानी जॉर्ज अच्छी बुद्धि, फ्लेक्सिबिलिटी तथा ताकत का मालिक है, तो वहीं राल्फ की फुर्ती और कांटे बेहद ही घातक है, तथा लिजी के पास ड्यूरेबल शरीर, पावरफुल जबड़े तथा ताकत है। इसके साथ ही जॉर्ज जमीन तथा पेड़ों पर, राल्फ हवा तथा जमीन पर, और लिजी जमीन तथा पानी पर लड़ सकता है। यानी धरती का कोई भी एक कोना नहीं है जो इसके कहर से बच पाए। अर्थात दोनों को कंपेयर करें तो भले ही आपको लगे कि शायद हल्क के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि रैम्पेज मॉन्स्टर संख्या तथा आकार में भी हल्क के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े हैं, लेकिन दोनों के स्ट्रेंथ की तुलना करें तो हल्क की ताकत रैम्पेज के किसी भी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा है। क्योंकि हल्क पूरे स्टार को थाम चुका है, पूरे पर्वत को उठा चुका है, एबोमिनेशन को हरा चुका है, थॉर और द थिंग भी इससे जीत नहीं पाए हैं। हालांकि रैम्पेज के मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग तो है, पर हल्क की तरह मुसीबतों का सामना इन्होंने कभी नहीं किया। दोनों की ड्यूरेबिलिटी की तुलना करें तो जॉर्ज ने अपने आप को बुलेट प्रूफ साबित किया है, इसने एयर स्ट्राइक को सर्वाइव किया है, लिजी के धारदार शक्तिशाली जबड़ों से भी बचा है, यहां तक कि सीने पर पार हो चुके स्टील की रॉड को भी इसने सर्वाइव किया है, पर ड्यूरेबिलिटी में बेशक लिजी का कोई मुकाबला नहीं। अपने चेहरे पर पड़ रहे मिसाइल फायर पर भी ये जरा भी रिएक्ट नहीं करता। मिलिट्री के सभी हथियार इस पर व्यर्थ जा रहे थे, लेकिन हल्क की ड्यूरेबिलिटी तो अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि इसने न्यूक्लियर विस्फोट को भी सर्वाइव किया है। साथ ही इसकी हीलिंग फैक्टर की वजह से ये अभेद्य बन जाता है। स्पीड तथा फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में भी हल्क रैम्पेज के सभी मॉन्स्टर से काफी आगे निकल जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि चाहे रैम्पेज के मॉन्स्टर अकेले आए या पूरे झुंड में, हल्क सभी को एक साथ हरा सकता है। खैर, आपका इस पर क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।